जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं दाहिने से तेज चल। आज मेरे साथ दाहिने से तेज चलेंगे डॉक्टर अजहर असलम साहब। ये यूनाइटेड किंगडम्स में डॉक्टर हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं, और इनसे हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे। खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रहने वाले हैं और इनसे एक इनका पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अजहर साहब से। डॉक्टर अजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने वो ज्वाइन किया सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। एंड जैसा कि हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले कि हम कुछ प्री पार्टीशन और पार्टीशन के बाद जिन्ना साहब को लेकर और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की कुछ बात करेंगे, तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं कि सुनने में आता है कि शुरुआती दौर में जिन्ना साहब इंडिया के पार्टीशन के खिलाफ थे, और ऐसा क्या हुआ कि उनको पाकिस्तान बनाना पड़ा? ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है कि मैंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक किसी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर सुना था कि इस पार्टीशन के जिम्मेवार गांधी और नेहरू हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स सारे इंडियन हैं और हम सब हिस्ट्री अपने पढ़ते हैं। तो एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं फर्स्टली आई मस्ट ओपनली से के being a Pakistani and being born, many years after partition, almost 20 years after partition, mera jo viewpoint banega wo zahir hai, jis tarah meri brought up hui hai aur jo maine padha hai, it is definitely contextualized and influenced from that point of view. Secondly, I have my own particular point of view, kyunki main socio-politically ek activist hoon, to jo bhi main ab aapko jawab dunga usme जाहिर है वो थोड़ी सी मेरे अपने रंग की अमेजिश होगी, मेरा अपना नुक्ता नजर होगा। इट विल नॉट बी मेंट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट दैट्स हाउ आई सी इट काइंड ऑफ थिंग। तो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रहनुमा थे, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट, ही वाज कॉल्ड द एंबेसडर फॉर यूनिटी। उन्होंने इनफैक्ट, आपको पता है, दादा भाई नोर जी के वो सेक्रेटरी थे, वहां से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। पहले 1906 में मुस्लिम लीग बनी तो उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं किया, ही ज्वाइन मुस्लिम लीग लेटर ऑन। और 1913 का वो जो मशहूर इजलास है, जिस जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इकट्ठा हुआ, ही कॉल्ड फॉर द यूनिटी ऑफ इट। तो यू नो, एंड मिसेस सरोजनी नायडू ने, यू नो, वेरी प्रोमिनेंट प्री पार्टीशन इंडियन पर्सनैलिटी, उन्होंने उनको खिताब दिया कि यू नो ही वाज द एम्बेसडर फॉर यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया। ही हिमसेल्फ सॉ हिम एज एन इंडियन टू अ लार्ज डिग्री। नाउ ऑब्वियसली आई कांट डेल्व इनटू हिज माइंड टू नो एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड हिम, आई कैन ओनली गो बाय इंडिकेटर्स, जो इशारिये जिनको मैं रीड करूंगा तारीखी तौर पे, कि वो क्या हुआ। और उसमें आप देख लें, 1913 से 1924 तक जब तक खिलाफत मूवमेंट होती है, उसमें भी एनएस दौरान गांधी जी इज ऑब्वियसली टेकिंग ऑफ एज अ मेजर लीडर। जवाहरलाल नेहरू इज नोवेयर एट दैट पॉइंट इन टाइम बिकॉज़ ही वाज यंग एंड ही वाज स्टडीइंग एंड ऑब्वियसली हिज फादर वाज इन्वॉल्वड। तो उस हद तक जिन्ना साहब है जो उनसे वो ही कंटिन्यूज इन दैट रोल of being a, you know, active in politics and still hasn't formed a particular role rule about ke bhai humne alag hona hai ya nahi hona hai, jo kuch bhi hai silsila hai. Aur wo aur khilafat movement mein Ali Biradran and Gandhi sahab ikatthe uske liye wo role play karte hain sab kuch, but he doesn't join him, he doesn't join them. So that is very telling. It is telling that he's a very independent minded person, which he was obviously, because he was the top lawyer in India, and of course he was such a top lawyer ki baad mein wo England mein bhi apne unki practice thi, aur he was a very rich person because of that, that's well known. And then we come to the point jo historically mujhe lagta hai ki jo 1928 mein Nehru report aayi and unki response mein jo 14 points pesh kiye gaye, and then
comes 1930s, and I think by that time he's becoming disillusioned with the whole of the Indian politics, actually. You know, not just Muslims or Indians, whole of the Indian politics. And 1930 mein Golmez conference hui hai, he takes part in one out of three, and then he leaves India and settles in. Now, you must also remember that by then, and I'm trying to do a little bit of my own analysis here, ke wo is wakt, us wakt, ab wo he's nearly, in his late 50s, mid to late 50s. Yani takriban hamari aur aapki umar tak pahunch chuke hain aur aapko pata hai is umar mein jab banda pahunchta hai to fir wo life ki uski reflection mukhtalif ho jati hai, uske attitudes different ho jate hain aur wo koi ek uska matlab insaan ki zindagi mein transformative periods aate hain and all that and so much what I've studied us duran 1930s mein जो अलामा इकबाल का एड्रेस होता है इलाहाबाद के एड्रेस के भाई एक नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट पे एक मुस्लिम को स्टेट्स दे दी जाए बट दिस इज विद इन द बिग फेडरेशन ऑफ इंडिया ताकि वो एक कॉन्फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है और उसके बाद लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपेंड इन फैक्ट चौधरी मोहम्मद अली हु कॉइंड द टर्म पाकिस्तान उन्होंने जो अपना रसाला लिखा कैम्ब्रिज से वो ही वाज इन कैम्ब्रिज ही इवेंचुअली डाइड इन कैम्ब्रिज एज वेल बरीड इन कैम्ब्रिज एज वेल उन्होंने उसमें तीन चार डिस्टिंक्ट स्टेट्स बनाई सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं बनाई उन्होंने हैदराबाद दक्कन में उस्मानिस्तान के नाम से बनाई या उत्तर प्रदेश विच वॉज द यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी बिहार लखनऊ और बेसिकली जो न्यू दिल्ली की जो ऊपर वाली नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है जहाँ पे ट्रेडिशनल मुस्लिम मुगलिया सिविलाइजेशन जोन सा वो डेवलप हुई है अराउंड गंगा एंड जमुना एंड ऑल दैट एरियाज तो वो yeah. वो उसमें उन्होंने उसमें भी एक स्टेट दिखाई सो आई थिंक एंड एट दैट टाइम नेहरू साहब हैड बिकम वेरी एक्टिव Obviously, I think we have to step back and see that British Empire खुद किस terrible time से गुजर रही थी क्योंकि 1939 First World War हुई है, then Germany was resurging, 1930s में depression आई है, उसका economic effect दुनिया में पड़ा है, British Empire पे भी पड़ा, and that's why 1935 का Indian Act आया, which was under constraint to a degree. Britain had, and there were voices in Britain then as well कि इस इंडिया को छोड़ दें। So Indian politicians by then had started to think कि अब हमें आजादी मिलने वाली है। मतलब it was on the horizon कुछ होना है। And again I don't know. I mean obviously अब हर किसी का अपना point of view होता है। As we say कि history is written by the victors. तो जो defeated लोग हैं उनके वो heroes नहीं बन पाते या one person's hero is or freedom fighters is other person's traitor kind of thing. So we can't delve into that ke us waqt kya hua lekin from the point of view ke jo meri samajh hai jo maine padha hai ke jo frictional politics hai jonsa wo badhti ja rahi thi aur congress mein jonsa jo musalman the bawajood iske ke Abul Kalam Azad was a very significant person And yeah. Bandis were Muslims. Lekin I think at that point in time, we cannot discount the fact jisko historically, main khud samajhta hoon correct hai, ke jo Iqbal ki jo ideology thi, usme jo ek Muslim ummah ka concept tha, wo zara strength pakad gaya. Now, wo kehte hain darogh bargardane ravi, I don't know how much truth it is, but what is said is, what I've read and heard is ke In the meeting between Iqbal and Jinnah in London, Iqbal met him and asked him, "You must come back and you must lead Muslims because Hindus have Gandhi Sahib and Nehruji, but Muslims don't have anybody. And even Abul Kalam Azad is with there, and he himself said that I'm not the sort of person who will lead. I'm not that person. Or koi leader aisa nazar nahi aata." तो इट इज सेड कि ही सेड कि जी हिंदूज आर इनकोरिजिबल कि वो है जो उनसे सुनते नहीं है मेरी बात एंड दे नॉट गोइंग टू करेक्ट द कोर्स एंड मुस्लिम्स की ये हालत है कि जिसको मैं सुबह बात करता हूँ
आफ्टरनून में वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बैठ के वो बात उनको बता रहा होता है. सो दे आर ऑल इन द पॉकेट्स ऑफ ब्रिटिश. तो मैं कैसे लीड कर सकता हूँ ऐसी कौम का नॉन दैट. नाउ आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, लेकिन देयर इज अ स्मॉल बुकलेट व्हिच वाज पब्लिश्ड बैक इन 1940 व्हिच आर द लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिन्ना. और वो बड़ी छोटी सी बुकलेट है, यू नो, अगर A5 का साइज है, ग्रोइस A5 साइज की, देयर इज अबाउट 30 पेजेस इन इट, कोई 8-10 लेटर है. I personally think they're very influential in making up Jinnah's mind, because in that, Iqbal is talking about generally about not Indian Muslims. He's talking about Muslims at that stage in time. And what he's saying is that in the world, there is a capitalist nizam, a socialist nizam. And how Iqbal saw it was, because you know that Nehru sahab jo unse wo he called himself a socialist and atheist. बावजूद इसके कि हिंदूज हैं जो उनसे, अच्छा मेरा, मैं आपको अपना बिलीफ बता दूं. जी 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 बिल्कुल. दिस इज दैट इज व्हाई वी आर जो मेरा या जी मैं कहा दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग, यू नो, दीज आर दैट इज व्हाई द डिस्कशन. मैं आपको अपना, आई वांट टू टेल यू अबाउट माय बिलीफ अबाउट हिंदूज एज वेल, ना, क्योंकि मैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं. And भारत में जब मैं कमेंट करता हूँ लोग नाराज हो जाते हैं बाद में, लेकिन खैर anyway, that's a different point of view होता है. वो ये और ये चीजें जो सी ये मुगल अंपायर और उससे पहले यू नो 10th 11th 12th 13th 14th सेंचुरी में इसके इसके बारे में मुस्लिम स्कॉलर्स के फतावा भी हैं दैट हिंदूज हैव अ बुक. They are Ahle Kitab, and you know as well if you are practicing Hindu, कि आप एक खुदा को मानते हैं, उसके different अवतार हैं. अब तो उसको उन्होंने अवतार बना दिए movie के बाद से, लेकिन उसके और अवतार हैं, और you know मुख्तलिफ shapes में you know खुदा आता है. मेरा अपना belief ये है कि they're not gods अवतार, they're basically prophets. You know, as a Muslim, I believe, क्योंकि कुरान के अंदर है कि जी हमने हर कौम पे प्रॉफिट भेजा है, and there were prophets, and there were prophets in India as well. And if you go into the depth of it, you know, ultimately, to actually the all the religions talk about the same thing, you know, in a way. लेकिन Hindus are particularly different from Buddhists because they do believe in a single entity and a single God, you know, and all that. तो उस लिहाज से ये मतलब दिस इज माय ओन बिलीफ. सो गोइंग बैक टू द आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक व्हाट हैपेंड एट दैट स्टेज वाज दैट दोज लेटर्स दैट इकबाल रोट टू जिन्ना वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन चेंजिंग हिज माइंड दैट देयर हैज टू बी अ थर्ड सिस्टम. एंड दे एंड इकबाल इज इंप्लाइंग देयर इन दैट बिकॉज हिंदू लीडर्स आर नॉट रियली हिंदूज इन द सेंस ऑफ बिलीविंग इन गॉड एंड गॉडली सिस्टम, और नेहरू साहब इनको एक एथियिज्म और सोशलिज्म पे लेके जा रहे हैं. तो इट यू नो दे मे नॉट सूट समथिंग. सो वी नीड ऐसा कोई एक जमीन का टुकड़ा विद इन इंडिया. इट वाज स्टिल विद इन इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम. जहां पे एटलीस्ट इस चीज को प्रैक्टिस किया जा चुके. देन वी मूव टू 1940 जब यू नो लाहौर मुस्लिम लीग करारदाद पास करती है. And then obviously after that, you know, Jinnah Sahib has, as a political leader, but of course, you know, if you, as a political leader, if you believe in something, or even if you don't believe in something, but you want to achieve something, you have to very single-mindedly say that, because you can't waver from it. Agar aap ek ke saath zara si bhi dusri baat mix karte hain, to jo log aap, jinko aap attract karna cha rahe hain, jo भारतीय लोग भी बहुत से कहते हैं कि जी उन्होंने पार्टीशन की जिम्मेदारी ली. एंड दैट कैबिनेट मिशन प्लान है जो सा वो उसको मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है, कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती. And that cabinet mission plan again allowed
a kind of confederation, stroke federation, whatever you want to call it, within India itself. And I think so. Again, I don't want to cast aspersions, because we are both chote log hain, mortals hain. Hamari nisbat Nehru ji, high personality, unke hi hai. Matlab, he was an influential, big personality. History mein unka influence, unka naam hai. Hum to kuch bhi nahi hai. Lekin what it seems on the face of it, bazaaran ye nazar aata hai ki Nehru sahab ek jo unse he would rather have Nehru and Patel sahab. They would rather have an India in which they could not be challenged than have an India. I agree with you. So I would not say Gandhi ji was responsible as much. Gandhi ji was convinced by Nehru ji and Patel ji for one is not privy to the internal thought processes and conversations, but on the face of it seems like that. I think Gandhi ji ka itna kasoor hai ke maybe because he was such an influential person, he should have resisted it. But then you have to take into account ki yaar insaan umar mein boodha ho jata hai, uska thought process badal jata hai, and sometimes he may have faced himself the fact ki yaar ho sakta hai ye itna bada historical process hai ho raha hai jab British Empire ja rahi hai, and obviously a Second World War had just gone on and people had seen a lot of destruction and misery and everything else. So we have to take into account ke wo sare insaan us waqt in sare thought in cheezon se influence hue the. The way, for example, agar main aur aap baithe hain aaj khuda ra khasta India Pakistan mein war ho jati hai ya kahin aur pe war hoti hai, ya ab aap dekh le Myanmar mein dekh le Burma mein agar hame khabar milti hai ki 18 protesters ko maar diya aur unhone, to afsos to hota hai na insaan ke bilkul hota hai, No, you feel unhappy about those kind of things. So, एक natural इंसान की instinct है कि जब catastrophe होती है तो इंसान feel करता है कि यार, In fact, इस मौजू पे फिल्में बनी हैं. Mission Impossible जो एक बड़ी मशहूर series है Tom Cruise की, उसकी तीसरी या चौथी movie जो है, जिसमें वो India में जाके वो satellite से चलाना चाहता है nuclear weapons. उसके पीछे उस बंदे की थ्योरी बार बार ये, वो कहता है ये इंसान है जो उनसे ये जब तक यहाँ तबाही नहीं आएगी ये सारे इंसान इकट्ठे नहीं होंगे, यू नीड टू एलिमिनेट सम ह्यूमन बीइंग्स टू गेट देम टुगेदर. सो वी हैव टू फेस द फैक्ट कि वो सब इंसान थे, वो सब साइकोलॉजिकली एक बड़े हिस्टोरिकल प्रोसेस को फेस कर रहे थे, उनके शोल्डर्स पे उन्होंने महसूस किया होगा कि यार कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे पे एंड ऑल दैट. So I think that kind of pressure maybe buckled Gandhi ji and he consented to it, and rest is history. So I'm ye to nahi keh sakte ke under the circumstances you can't pinpoint one person and say ki yaar is bande ke ek faisle ki wajah se ye hua. No, it was a big historical process जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स थे, मल्टीपल एक्टर्स थे और सिनेरियो सेट हो चुके थे, एंड आई थिंक सम थिंग्स हैड बीन सेट इन मोशन इन सच अ वे कि इट बिकेम इनेविटेबल एट सम पॉइंट एंड पीपल जस्ट एक्सेप्टेड इट. यस आई थिंक के एक क्रिटिकल फैक्टर उसमें, ये क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो कैबिनेट मिशन के फेलियर और व्हाट इज सेड अबाउट नेहरू एंड पटेल साहब के जी, उन दोनों ने गांधी जी को भी मजबूर कर दिया, दैट बिकम्स एन ऑपरेटिव फैक्टर. बट वी कांट डिस्काउंट द फैक्ट कि आई थिंक ओवरऑल हिस्टोरिकल प्रोसेस वाज रिस्पांसिबल टू व्हाट वाज गोइंग ऑन. इनफैक्ट आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट बिकॉज आई हैव माय ओन पर्सनल वे ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री बिकॉज आई हैव आल्सो रेड अ लॉट्स ऑफ इट. एंड अदर साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेहरू जी ने गलती करी. अगर हम इंडिया की बात करें तो नेहरू जी थोड़े से सेल्फिश हो गए थे, एंड अगेन आई विल अपोलोजाइज टू नेहरू जी इन हिज ग्रेव दैट आई एम टॉकिंग लाइक दिस फॉर हिम, बट दिस इज व्हाट आई फील दैट वहां पर थोड़ा सा गिव एंड टेक होता आपस में. एंड दूसरी आई एग्री को अगर इनसिक्योरिटी हो रही थी किसी चीज की वजह से, इट कुड हैव बीन सेटल्ड. अब देखिए,
इतने साल हो गए हमारे मुल्कों को आजाद हुए, अभी भी अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से कुछ इस तरीके की आवाजें आज भी आती हैं। तो ये भी एक मैनकाइंड की प्रोसेस है। सो वेल एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ब्रिटिश एम्पायर जा रहा था, तो देर वर इनसिक्योरिटीज, पीपल डिडंट नो कि आगे क्या है। प्रोबेबली So I come to the second question and Lord of the Rings, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है बुक के अंदर कि जिसमें वो जो बंदा जिसके ऊपर वो बोझ होता है उसको evil को खत्म करने का, वो बड़ा तंग आके कहता है कि you know I wish it was not happening to me। तो वो आगे से उसको जो उसका गाइड होता है बाबा जवाब देता है उसको के बुजुर्ग के भाई इट्स नॉट फॉर अस टू चूज व्हाट टाइम वी बोर्न इन बट इट इज फॉर अस टू मेक अ चॉइस ऑफ व्हाट टू डू विद द टाइम दैट वी हैव। सो आई थिंक के अगर हम हिस्ट्री को लेके उससे लेसन लर्न करने के बजाय उसके ऊपर झगड़े करते रहे तो इट इज नो पॉइंट बिकॉज यू आर नॉट देयर आई एम नॉट देयर, ठीक है, और हमारे बच्चे भी उसमें नहीं है। We have to see कि यार अब हमने क्या करना है उसे story के process से। चलो जो हो गया complete हो गया। Now what we are going to do about it? Now what we can make about it? Very good point that you have made. In fact, we couldn't have chosen our place of birth and it happened. You know, अब जहाँ है वहाँ है और जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या होना चाहिए जिससे कि environment अच्छा हो। तो मैं अपने दूसरे सवाल पे आता हूँ अदर साहब कि एक मौलवी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं जी उर्दू चैनल पे था और अभी जिन्ना साहब पे ही हैं हम, दूसरा सवाल भी उन्हीं से रिलेटेड है। एंड तो मौलवी साहब जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं और मौलवी साहब जो है स्टूडियो से बाहर निकल गए और वेटिंग रूम में बैठे चाय वाय पी रहे थे। तो अपने आप मौलवी साहब बोले कि कर्नल साहब हमने जो डिस्कशन अभी जो टेलीविजन पे करा, टेलीविजन पे कुछ हिंदू मुस्लिम ही डिस्कशन था, तो उसने बोला कि हमें ये लगता है कि यूपी बिहार दिल्ली के मुसलमानों के साथ बहुत बुरी हुई और उनके हिसाब से जिन्ना साहब की वजह से पाकिस्तान क्योंकि बना, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से उठ के पाकिस्तान में गए जिनको आज भी मुहाजिर कहा जाता है, दे आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड। एंड इन फैक्ट टू कोट वन ऑफ द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फ्यू डेज बैक आई वॉज टॉकिंग टू हिम and he said that ki ha wo to janab muhajir hai wo to piche se india se hai to ye log to na yahan ke hue na sa wahan ke hue ye ek pakistani se baat karke bol raha hai so I was pretty shocked you know because hamare yahan bhi jo west india jo pakistan se jo yahan par aaye unko shuru mein to refugee kaha gaya lekin ab is tarike ki koi baat karta nahi hai so I was little this thing to बैक टू दैट मौलवी साहब क्वेश्चन की सब बड़ा अब हो गया, अब हिंदू सोचते हैं कि वी आर द कल्प्रेट्स की हमने पाकिस्तान बनवाया और जो हमको शक की नजर से देखा जाता है और वहां जो हमारे में से जो लोग पाकिस्तान गए उनको वहां तक अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस दिस काइंड ऑफ अ थिंग व्हाट मौलवी साहब हैज सेड? अच्छा, मौलवी साहब ने किसी हद तक तो दुरुस्त बात की है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु कैरी दिस व्यू और ऑब्वियसली दिस व्यू वाज प्रिवेलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम, यू नो, उस वक्त भी भारत में अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना हुसैन मदनी थे और उन जैसे लोग थे, मौदूदी साहब थे, यू नो, हु वांटेड हुकूमत इलाहिया, इनफैक्ट यू नो उनकी उनका तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट था। और लेकिन पाकिस्तान के वो मुखालिफ थे ऑन द बेसिस के मुसलमानों की तकसीम हो जाएगी और मुसलमान माइनॉरिटी में रह जाएंगे एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी हिस्टोरियंस एंड आई कैन टेल यू के पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यूपी बिहार के मुसलमानों ने कुर्बानी दी। इनफैक्ट द अदर डे आई वाज इन अ कन्वर्सेशन विद समबडी, नॉट अ डिबेट बट वी वर हैविंग कन्वर्सिंग and we said one of the things that we have done is ki we pakistan ko humne jab pakistan ki jo halaat hai uski baat kar rahe the ki we have failed those muslims
जिनको पता था कि हमने पीछे रह जाना है, जिनको पता था कि हो सकता है हम शक की निगाह से देखे जाए, या जिनको पता था कि अब हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे, एंड दे स्टिल वोटेड फॉर पाकिस्तान. सो यस, वी फेल्ड देम. आई ओपनली एडमिट कि पाकिस्तान हैज फेल्ड दोस पीपल बाय नॉट बीइंग व्हाट उस वक्त जो तसव्वुर उन्होंने पाकिस्तान का, शायद जिसकी बेस पे उन्होंने वोट दिया था. अब इस सवाल का जो दूसरा एलिमेंट है, सेक्शन है कि मुहाजिर और वो सब कुछ. पहली तो बात ये है कि आपको हिस्ट्री के, तारीख के तालिबे इल्म है, तो हमारे यहाँ तो हमारा मुसलमानों का तो जो कैलेंडर भी है वो हिजरत से आगाज होता है, उसका वो हिजरी कैलेंडर है. ठीक है, हमारे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो हिजरत करना है जो सब वो सबसे बड़ी सुन्नत है. और कुरान पाक के अंदर आया है वाज़े तौर पे कि जब क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने ये अपने अमल क्यों किए, और तुमने जवाब दिया कि जी हम मजबूर थे और हमें मजबूर किया गया था, तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी थी, तुम हिजरत नहीं कर सकते थे इससे, किसी अच्छी जगह, ऐसी जगह जाके रहते जहां तुम्हें गलत काम पे मजबूर ना किया जाता. और ये क़यामत वाले दिन गॉड इज सेइंग कि आई विल आस्क यू, if this is your excuse, you will be prompted कि why did you not migrate, you know, if you were so forced to do wrong things, why did you not migrate away. तो हिजरत is, you know, इस्लाम में तो हिजरत बड़ी मुकद्दस है. In fact, one of the most मुकद्दस and pure concepts is हिजरत. तो you know, मुहाजिर होना तो मेरे नजदीक तो एजाज की बात है कि मुहाजिर है वो. सेकेंड थिंग इज के शुरू में वो जो जिनको हम मुहाजिर कहते हैं, अगर वो मुहाजिर ना होते तो वो पाकिस्तान की मशीनरी को जो चलाने वाले लोग थे वो वही थे, क्योंकि जो पंजाब के मुसलमान थे वो तो लिटरेसी में, एजुकेशन में बहुत पीछे थे जी. वो तो ज्यादातर निजाम और नस्क है, नस्को निजाम उन लोगों ने चलाया, एंड दे वर कंटिन्यू टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड दे स्टिल आर वेरी इन्फ्लुएंशियल. Now let's come to the third thing of Muhajir. Muhajir ki term late 70s mein political subjugation jab General Ziaul-Haq ne ki hai to us waqt shuru hui hai. In fact, he was, so far as I know, kyunki main us zamane mein teenagers mein pala bada hu 80s mein, to I can really see and I've studied it myself very closely. Aur us waqt ke akhbare padhna aur debates, so zahir hai, you know, jab insaan student hota hai to student union mein hissa lena aur ye वो जवानी का खून में गर्म होता है. जी जी. So I have been against that concept from the very beginning. So far as I am concerned, they are Pakistanis. बसल मैं तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में ये डिबेट में ओपनली कहता हूँ कि I hate the word minority. यार ये minority क्या होती है? You know, अकलीती मुसलमान, अकलीती पाकिस्तानी. You know, अकलीते. They are Pakistanis. You have to accept them. भाई हमारे अगर हिंदू वहां रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, दे इक्वल सिटीजंस टू अस. यू नो, अगर उनका किसी का अकीदा मुख्तलिफ होना एक डिफरेंट बात है, उसकी सिटीजनशिप के राइट्स और उसके उसके जो हकूक हैं वो एक डिफरेंट बात है. तो आई नो दैट देयर आर पीपल हु कॉल देम हाजर्स एंड देयर आर लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डिविजंस व्हिच आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मेरे नजदीक ना तो वो महाजर है, क्योंकि अब जो बचे कुछ रह गए, यू नो, 80 इयर्स ऑन, ओनली द वेरी फ्यू वेरी यंग पीपल जो उस वक्त को 5, 7, 8, 10 साल के थे, माइग्रेट हुए थे, वो रह गए हैं. यू नो, मोस्ट लोग तो दे हैव पास्ड अवे, सो मोस्ट ऑफ देम पीपल आर एक्चुअली बोर्न इन पाकिस्तान. तो मुहाजिर तो वो हो ही नहीं सकते क्योंकि दे आर बोर्न पाकिस्तान. जैसे अब मैं इंग्लैंड में रहता हूँ तो मैं तो मुहाजिर हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे जो बच्चे यहाँ पैदा हुए वो तो अपने आप को वो, बल्कि मेरे मेरी बेटियां मेरे से मजाक करती हैं कि यू आर अ माइग्रेंट, गो बैक टू योर कंट्री. तो यू नो, ये मतलब ऑल आई कैन से इज कि इट्स एन अफसोसनाक बात. यू नो, एंड रियलिटी इज कि हमें भी कोई खुशी नहीं है कि मुसलमानों को, जो मुसलमान इंडिया के अंदर है तो उनको तंग किया जाए या उनको अच्छे तरीके से ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि भारतीय, एंड आई डोंट थिंक कि भारतीय आवाम इस तरह सोचती है. एंड ऑफ कोर्स
अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और खासतौर पे जहाँ पे इनजस्टिस हो, पॉवर्टी हो, मिजरी हो, रिसोर्सिस की तकसीम का झगड़ा हो, वहां पे ये इस तरह की डिविजन्स, आपको पता है भाई का भाई से झगड़ा हो जाता है जायदाद पे, यू नो, बिल्कुल तो इट इज अनफॉर्चुनेट कि अगर वो मौलवी साहब इंडिया में ये फील कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव रीशोर्ड हिम कि ऐसी कोई बात नहीं है. एंड आई थिंक इट्स अप टू इन पाकिस्तान, इट्स अप टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स कि वो हिंदू और सिख और ईसाई को गले लगाएं, अपने बराबर बिठाएं, अपने से ऊपर बिठाएं. एंड इट इज अप टू द मेजोरिटी हिंदूज इन इंडिया, भारत, टू मेक श्योर कि मुसलमान उनके जो भाई हैं सिटीजंस वो ऐसे फील ना करें. बट आई थिंक ये एक ऐसा मामला है जो दोनों तरफ कायम रहेगा, एंड पीपल लाइक यू एंड मी हैव टू कंटिन्यूअसली फाइट अगेंस्ट दैट के अगर कोई इस तरह की गलत बात करता है तो ये गलत है. इनफैक्ट दैट इज वाई वी आर टॉकिंग एंड दैट इज वाई एजुकेटेड पीपल शुड टॉक मोर ऑफन.